नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। हर हफ्ते की तरह यह हफ्ता भी खबरों के लिहाज से बेहद रोचक रहा। योगी जी महिलाओं लड़कियों के साथ साथ बैलों और भैंसों को सुरक्षा देने का दावा करते नजर आए यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, राखी सावंत और गांधी जी के बीच समानता खोजते। खोज निकाला फिरोजाबाद पुलिस ने चोरों का एक गैंग और पत्रकारों को एक सीख दी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के मंत्री को। बाकी मोदी जी का जन्मदिन मना, वो भी बड़े धूमधाम से। देश में इस हफ्ते कितना कुछ हुआ और कितना कुछ हो रहा है, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि देश के असल हालात क्या हैं। तो मित्रों, सबसे शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो नेताओं ने अपनी जुबान पर धार देनी शुरू कर दी है। इसी बीच लखनऊ में आयोजित मीडिया कार्यशाला में बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने बयान रूपी तंज और तंज रूपी बयान दिया कि पहले प्रदेश में लड़कियों के साथ साथ बैल और भैंसे भी सुरक्षित नहीं थे। खराब सड़कें प्रदेश की पहचान थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। योगी जी बोल रहे हैं, कृपया सुना जाए। परिवार की महिलाएं आती थी, सबसे पहले एक ही बात करती थी कि क्या उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल हो पाएगा। बेटियां असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी, और मैंने कहा और तो और एक सामान्य बैलगाड़ी और भैंसावान भी जाता है तो उसके जो भैंस या उसका भैंसा या उसके बैल भी सुरक्षित नहीं थे। क्या आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की समस्या नहीं थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समस्या थी। मैंने कहा क्या आज कोई बैलगाड़ी के बैल या किसी भैंसे को या किसी बालिका को या किसी महिला को कोई जबरन उठा सकता है क्या? उन्होंने कहा नहीं, आज तो नहीं, आज तो अपराधी गले में तख्ती तान करके थाने में जाते हैं कि साहब एक बार बकस दो, हम सब्जी बेच करके अपने परिवार को पाल लेंगे। तो मैंने कहा क्या ये अंतर नहीं दिखाई दे रहा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने हाल ही में 2020 के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में बलात्कार, हत्या और चोरी के मामलों में बीते 8 सालों में कमी आई है, लेकिन अभी भी राजस्थान में साल 2020 में सबसे अधिक बलात्कार के मामले दर्ज किए हैं। इसके बाद लिस्ट में मामले में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश शोभायमान है। इन दोनों राज्यों में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के मामलों की बात करें तो देश भर के कुल मामलों में करीब 30% रेप केस सिर्फ इन्हीं दोनों राज्यों में दर्ज किए गए हैं। कड़वी है, मगर हकीकत यही है। इसके परे जो कुछ भी है वो राजनीति है। बाकी हाथरस मामले में पीड़ित अभी भी अपनी चौखट पर बैठ न्याय का इंतजार ही कर रहे हैं। किया कुछ और भी जा रहा था, उन्नाव जिले में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, और इसी दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने एक बयान दिया जिस पर हाय तौबा मच गई है। दरअसल माननीय ने गांधी जी, कपड़े और राखी सावंत के बीच कुछ कनेक्शन खोज निकाला है। बयान आप खुद सुनिए। अगर इतने वर्ष से होने वाला होता तो मैंने तो 6000 की दावे कपड़े उतारने से कोई बड़ा बन जाता है तो राखी सावंत बहरहाल इस पर माननीय की सफाई आ गई है और बयान को गलत अर्थ में वायरल किए जाने का उन्होंने आरोप लगाया है। किसी महान दार्शनिक ने नाम ना बताने की शर्त पर इस बार कहा है कि एक बार वीडियो वायरल होने के बाद राजनेता उसे डीप फेक या विपक्षियों की साजिश बताने लगता है। बाकी कहा थोड़ा है, समझिएगा ज्यादा। एक आरोप लगा राजस्थान में भी। राजस्थान में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के व्यवहार से खफा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने बुधवार शाम सदन की कार्यवाही अचानक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की
और सत्ता पक्ष व विपक्ष के कुछ सदस्यों के व्यवहार पर बुरे व्यवहार का आरोप लगाते हुए खेद जताया। मध्य मनसा मंत्री जी सदन में चला रहा हूँ, आई विल नॉट अलाउ इट, मुझे अध्यक्ष रखना है, हटा दीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं अध्यक्ष बैठा हूँ तो आपने कत्ते नहीं हटा दीजिए, कोई तकलीफ नहीं मुझे, आपको पूरा अधिकार है, पर आई विल नॉट अलाउ इट। आज इस तरह से अध्यक्ष को एम्ब्रेस करने की पोजिशन मैं अलाउ नहीं करूंगा। आज सदन की गरिमा बनाने की जिम्मेदारी मेरी आपकी सबकी है। मैं बैठ के बोल रहा हूँ, फिर आप करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें, आपको पूरा अधिकार है मुझे हटाने का, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और आपको भी तो अभी चल जाऊंगा, बट आई विल नॉट टॉलरेट इट। लेकिन सवाल ये है, मैं फिर लेकिन बिल्कुल नहीं आई विल नॉट अलाउ इट। मैं माननीय मंत्री जी बिल्कुल अलाउ करूंगा, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। मैं ये जिक्र कर रहा हूं, आप मुझे बाहर निकाल दीजिए, आप मेरी, आप मुझे अलाउ नहीं करूंगा, मैं कर रहा हूं। आई एम ऑन लेग जेंटलमैन। उन्होंने अपनी ही पार्टी के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल को बोलने की अनुमति नहीं दी और कहा कि आपको पूरा अधिकार है मुझे हटाने का, मैं अध्यक्ष रहूंगा तो कर्तव्य का पालन करूंगा, मैं सदन चलाऊंगा तो नियमों से ही चलाऊंगा। अध्यक्ष अगर इसी तरह हर दल को एक नज़र से देखें तो संसद और विधानसभाओं की सूरत कुछ और हो सकती है। बहरहाल शोर शराबा, चिल्लम चिल्ली और बिना बहस बिल पास होना न्यू इंडिया में आम हो गया है। मगर सब कुछ आम नहीं है, कुछ खास भी है। जैसे यही खबर, अब उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में शनिवार को पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह को गिरफ्तार किया। शातिरों के पास से 11 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। इस मामले की जानकारी के लिए बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अशोक शुक्ला ने बताया कि गैंग के साथ पुलिस और पत्रकारिता से जुड़े कुछ लोग भी मिले हुए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत में एसपी अशोक शुक्ला ने पत्रकारों से जिस साफ गोई से जो कहा है वो विरले ही सुनने को मिलता है, इसलिए आप खुद ही सुनिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चिनाइती चैन की तब बंद होगी जब सोनार पकड़े जाएंगे जो खरीदते हैं, या जो चोरी जो सोना खरीदते हैं उनको पकड़ा जाए तो बंद हो। ये गाड़ी खरीदने वाले जब तक नहीं बंद होंगे तब तक ये बंद नहीं होगी। इसमें कुछ हमारे पुलिस के जवान सम्मिलित हैं, उनका नाम मैं बताना चाहूँगा कि दो तो हमारे सिपाही हैं जिनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखा है, आज ही उनको निलंबित करके गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे, और एक सिपाही है आगरा चला गया है यहाँ से ट्रांसफ़र पे। तो ये तीन सिपाही हमारे हैं जो खरीदते थे, उनसे बरामदगी हुई है सिपाही के घरों से, और कुछ पत्रकारों को भी बेचा है इन्होंने। मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन हम और आप दोनों मिले हुए हैं धंधे में, ये शर्म की बात है और ये चिंता का विषय है। मैं चाहूँगा इस पर लगाम लगे, जब तक खरीदारी नहीं रुकेगी मोटरसाइकिलों की तब तक चोरी नहीं होगी। इस हफ्ते सुनने और देखने के लिए खास के बाद कुछ बेहद खास मौजूद है। 17 सितंबर को प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस शुभ अवसर पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने सोहर गाया। मनोज जी के बगल में खड़े हैं माय डियर फ्रेंड अमीश देवगन जी, सोहर सुना जाए। तो हीरा बेन मैया के ललनवा, वतन के अरमनवान हो, आजे लिहले नरेंद्र जन्मवा, दामोदर के भवनवान हो, आजे लिहले नरेंद्र मोरे जन्मवा, जगत गावे सोहर हो। गाने के बाद दान दक्षिणा की बात कर लेते हैं। जन्मदिन के शुभ अवसर पर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने गरीबों को दान दिया। नेता बिन कैमरा तो कुछ भी नहीं करता, फिर ये तो दान था। तो दानदाता शहनवाज हुसैन ने कैमरा ऑन होते ही कहा कि जिसका पेट निकला है वो पीछे हो जाइए और जिसका पेट कम है वो आगे आ जाओ, आखिर वीडियो खराब नहीं होना चाहिए। जिसका भी निकला है ये पेट जिसका कम है वही आइए लाइन। क्या होता है ना कि आदमी का फोटो नहीं आता पेट का, गरीब आदमी को खाना नहीं आता, ये आदमी का पेट निकला हुआ है। आप इतना ज्यादा मोदी जी का जन्मदिन है,
जन्मदिन है, ले लीजिए, मोदी जी का जन्मदिन है, सुनिए आप तो कह बोलते हैं, है ना, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का कितना बढ़िया प्राइम मिनिस्टर मिला है, आप भी कह रहे हैं जी, कीजिएगा, ठीक है। जन्मदिन के जश्न से जनता बाहर आ पाती उससे पहले ही महंगाई पर बीजेपी सांसद बयान प्रेमी साक्षी महाराज ने कुछ गजब बोलकर महंगाई को शर्म से पानी पानी कर दिया। महाराज जी बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। जब आपको तेल महंगा दिखाई दे रहा है, सब्जी दाल महंगाई दे रही है, मीट की दुकान पर जो खरीद रहे थे पूछा महंगा हो गया है, शराब की दुकान पर पूछा महंगा हो गया है, नहीं पूछते ना, अब साक्षी जी को कौन समझाए कि दाम बढ़ते हुए पेट्रोल की दिक्कत तुम क्या जानो महाराज जी, क्योंकि महाराज जी ठहरे माननीय। अब भारत में माननीय होना क्या होता है ये किसी से छिपा तो है नहीं, यह काफिला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का है। माननीय इंदौर एयरपोर्ट से इंदौर शहर पहुंच रहे हैं, बाकी डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। हालात क्या हैं एक व्यंग कार्यक्रम है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है, भावनाओं को आहत करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य कतई नहीं है। कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है यह हमें ज़रूर बताएं। कार्यक्रम को अपने दोस्तों और जानने वालों तक पहुंचाएं। हर बार की तरह कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।